हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रा हटके स्नेहा। दोस्तों, अभी तक आपने अरबी के पत्ते से बने हुए पकोड़े खाए होंगे और सब्जी खाई होगी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते से बना हुआ एक बेहतरीन स्टार्टर, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और दिखने में भी लाजवाब लगेगा। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने थिक दही लिया है। मैं पुराने वीडियो में इसका बता चुकी हूँ कि किसे कैसे बनाना है। और यहाँ पर लाल मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है, मतलब बड़ी वाली जो लाल मिर्च होती है उसको पानी, गर्म पानी में भिगो लिया और उसे पीस लिया ठंडा करके। ये देखिए, ऐसे करके मैंने लाल मिर्च का पेस्ट बना लिया है। ये जो रेशम चिल्ली बड़ी वाली जो आती है ना लाल मिर्च, उसको मैंने भिगोया हुआ है। नॉर्मल वाली तो होगी वो तीखी होगी, ये वाली तीखी नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन बारीक मैंने कूट लिया तो उसे डाला हुआ है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर हम वाइट पेपर डाल रहे हैं और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर भुना हुआ जीरा यूज़ करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से मसल के डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से हाथों से मसल के, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इसे भी हाथों से मसल के डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि जो पेस्ट था उससे केवल कलर आएगा। लाल मिर्च ये डालेंगे, इससे तीखापन आएगा। ये हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हुई है। थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, क्योंकि इंडियन रेसिपी है तो हींग तो मस्ट है। इसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है। अभी नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट बड्स के अनुसार पे। और इन थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून यहाँ पर डाला हुआ है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एक बढ़िया सा थिक सा बैटर बनके तैयार हो जाएगा, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। यही जो है, ये मेन जो टेस्ट है हमारा स्टार्टर का, वो इसी का आएगा। आप कह सकते हैं कि आप अरबी के पत्ते का बारबेक्यू बना रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अभी बारी आती है हमारे अरबी के पत्ते की। तो एक मैंने बड़ा सा अरबी का पत्ता लिया हुआ है, इसके पीछे जो डंठल था इसको हम काट के अलग कर देते हैं। अगर इसको नहीं निकालेंगे ना तो ये हमारे दांतों में चुभेगा। और अभी हम इसे 4 to 5 छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप ये जो पत्ते हैं अपने हिसाब से पीसेस में कट कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 4 to 5 पीसेस में कट कर लिए हैं। इसके बाद थोड़े से मैंने बंद गोभी के पत्ते भी लिए हुए हैं। और पहले ये जो बंद गोभी के पत्ते होते हैं ना, ये थोड़े से टाइट होते हैं, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो ये अरबी के पत्ते होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। तो जो बंद गोभी के पत्ते हैं ना, इनको पानी में डुबो के रखेंगे, गर्म पानी में डुबो के रखेंगे इस तरह से दोस्तों, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने इसमें रखे हुए हैं और ये 5 मिनट रख के निकाल लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने अरबी के पत्तों को भी डुबो दिया था 1 सेकेंड के लिए, फिर निकाल लिया ताकि ये भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। इस तरह से दोस्तों, मैंने निकाल के अलग कर लिया है। अभी हमने पनीर लिया हुआ था। पनीर को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हैं हमारे। तो इस तरह से, ये मैंने ग्रीन चटनी पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। और ये मैंने जो रेड पेस्ट बनाया था इसको भी तैयार कर रखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, एक पनीर का टुकड़ा लेंगे और इसको जो ग्रीन चटनी बनाई थी इसमें डुबो के रखेंगे। इस तरह से मैंने डुबो दिया है, अच्छे से चटनी लगाएंगे ग्रीन वाली। इसके बाद ये बंद गोभी का एक पत्ता लिया हुआ था, इसके अंदर डालेंगे। और इसके जो कॉर्नर वाली साइड्स होती है ना, इसको चिपकाएंगे किससे, रेड वाले पेस्ट से। इस तरह से साइड कॉर्नर पे लगाया रेड पेस्ट और इसको पनीर पे चिपकाएंगे। अब दूसरी साइड लगाएंगे रेड पेस्ट, इसको चिपकाएंगे। अब इधर जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं, इनको भी इसी तरीके से एक बिल्कुल बंद कर देंगे पनीर को पत्ते के साथ में। इस तरह से ऐसे मैंने बंद कर दिया है। कितना बढ़िया सी हमारी एक पोटली बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम लेंगे अरबी का पत्ता, और अरबी का पत्ता देखिए कितना सॉफ्ट हो रखा है। तो अभी इसमें एक पनीर का टुकड़ा लिया, पनीर के टुकड़े को डुबो दिया चटनी में। ये देखिए, और अच्छे से डुबोएंगे चटनी में, ताकि दोनों का फ्लेवर अलग अलग आता है दोस्तों। इसका फ्लेवर अलग आएगा चटनी का, और इसका फ्लेवर अलग आएगा। इसको अच्छे से मैंने डुबो दिया। अब इसका जो साइड कॉर्नर है, यहाँ पे हम लगाएंगे चटनी। ये वैसे चिपका दिया, ये हमारे पेस्टिंग का काम करता है, ये देखिए। और इसमें ऐसे करके कर लिया। इस तरह से सारे जो हमारे बारबेक्यू मतलब जो पोटली हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। इससे कलर अच्छा आएगा, मतलब एक डार्क ग्रीन आएगा, एक लाइट ग्रीन आएगा कैबेज वाले से। और जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो दिखने में बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, और थोड़ा ना ऊपर से भी लगा देना है, ये क्या बोलते हैं,
रेड मेंशन वाला जो था हमारा रेड पेस्ट था ना, इसको लगा देंगे। अभी जो कॉर्नर साइड होता है ना, नुकीला साइड, वहाँ से घुमाते हुए स्क्रू को हम बारबे में, बारबेक्यू स्टिक में डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको डाला और इसको हल्का सा घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके। ये देखिए, अभी हम इसको कर देंगे। और इसको लगाने के बाद में अगर हम इसमें ऊपर से ये पेस्ट नहीं लगाएंगे ना, तो हमारे जो लीव्स हैं ये जल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से सारे जो हमारे बारबेक्यू के लिए जो ये पोटली है, ये सारी पोटली हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दो बारबेक्यू स्टिक हमारी बनके तैयार हो गई हैं। उन एक पत्ते, एक अरबी के पत्ते में और दो चार हमारे जो बंद गोभी के पत्ते थे उसमें। अभी हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे। मैंने अवन पे लगा दिया, इसको बेक करने के लिए रख दिया। बेक करेंगे इसको 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बारबेक्यू बन के तैयार हो गया। मस्त स्टार्टर है, आप एक बार गेस्ट को ज़रूर सर्व कीजिएगा। और कमेंट करके भी दोस्तों बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।